मंजिल, प्रिंस ने कहा, अपने बाल खोलो ताकि मैं उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ सकूं। ओ नो, एक और फेरी टेल मुसीबत। रपंजल, तुम्हारे बाल कहाँ हैं? सॉरी, एक छोटी सी परेशानी है। रपंजल के बालों के साथ कुछ गड़बड़ है। अगर रपंजल ने बाल नहीं धोए तो उसमें हम क्या करें? हम हेयर ड्रेसर्स नहीं हैं। फिर भी शायद हम उसकी मदद कर पाए। चलो अप्पू। वैसे ये मेरी मीनार में आने का नया तरीका है। घबराओ मत, हम मदद करने आए हैं। तुम विच तो नहीं हो ना? एक नहीं मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। नहीं, घबराओ मत। और मैं तो डॉगी हूँ। और मैं एक योगे खात ही हूँ। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बालों के साथ कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल सही एहसास हुआ। तुमने अपने बाल काट लिए? मैं अपनी ड्रेस के पीछे लगे टैग को हटाने की कोशिश कर रही थी। वो चुभ रहा था, मुझे खुजली हो रही थी, तो मैंने कैंची ली, पीछे चला दी और मेरे लंबे बाल कट गए। वैसे ये स्टाइल भी अच्छा है। रपंजल, ऊपर क्या हो रहा है? प्रिंस यहाँ ऊपर कैसे चढ़ पाएगा? क्यों ना तुम अपनी कटी हुई चोटी नीचे फेंको और हम उसका एक छोर कस के पकड़ लें? हे, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। कस के पकड़ लो और नीचे फेंक दो। रपंजल, अब मैं ऊपर चढ़ूंगा और हम फिर हमेशा साथ रहेंगे। ए, प्रिंस इतने हल्के नहीं है। वो कसरत करते हैं। तुम्हारे बालों पर पकड़ नहीं बन रही रपंजल। मैंने हाल ही में बालों में तेल लगाया था। चोटी मेरे हाथों से फिसल रही है। मुझे नहीं लगता मैं इसे ज्यादा देर तक पकड़ पाऊंगा। मेरी सूंड से ये फिसल रही है। रपंजल, तुमने अपने बाल काट दिए? हाँ, गलती से, सॉरी। फिक्र मत करो प्रिंस, हम आपको ऊपर लाने का कोई और तरीका सोच लेंगे। अपने जादू से ऊपर ले आओ ना। नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। पर क्यों नहीं? इसमें कोई मजा नहीं। उसे ऊपर चढ़ना होगा ताकि मुझे पता चले कि वो मुझे छुड़ाना चाहता है। तो प्रिंस, आ जाओ और अपनी बहादुरी दिखाओ। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी ताकत और फुर्तीलापन दिखाऊंगा और मेरे सिक्स पैक्स भी। रहने दो। देखा, मैंने कहा था ना वो कसरत करता है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं तुम्हारे बालों को सीढ़ी में बदल दूं? ये हुई ना बात, योगिक एलिफेंट। बढ़िया और मजबूत सीढ़ी बनाना अप्पू। ठीक है। रपंजल, रपंजल, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे बालों की सीढ़ी पर चढ़ के। थैंक यू छोटे जादुई हाथी। कोई बात नहीं। तुम मुझसे बच के नहीं जा पाओगी रपंजल। विच, मैं तुम दोनों का नामो निशान मिटा दूंगी, बस तुम्हारे बालों की सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाऊं। अब हम क्या करें? तुम्हारे जादुई दिमाग में कोई आइडिया है? ये मीनार एक रॉकेट के आकार का है ना? क्या कहा, ये और एक रॉकेट? फिक्र मत करो, मैं समझ गई। और हाँ, बढ़िया आइडिया है अप्पू। मुझे
मुझे ये अंत पसंद आया। बाय बाय विच, टाटा। अब नीचे रहकर हमें देखती रहो। मुश्किल को करेंगे पार।